सुदीप जी के पास चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक सेकंड थॉट लिया निफ्टी पर। देखिए दोनों इंडेक्स ने अपने क्रिटिकल एवरेजेस को पार कर लिया। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ गुड क्लोज, बट मंडे को क्या, मैं उस पर बातचीत कर रहा था। सुदीप, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा, क्या चीज करना चाहेंगे आप इस वक्त? वीरू जी, मुझे ऐसा लग रहा है जो हिसाब से मार्केट में आज मोमेंटम बना है, आज मिड कैप्स में फिर भी कम पार्टिसिपेशन है, जो ज्यादा पार्टिसिपेशन है वो लार्ज कैप में, मतलब इट इज लेड बाय एचडीएफसी ग्रुप, वहां पे आपको एक ज्यादा एक अच्छा एक रिबाउंड मिल रहा है। मुझे लग रहा है जैसे आईसीआईसीआई तो सस्ता ऑप्शन में मुझे लग रहा था कि अच्छा लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक। एक दूसरा मुझे लग रहा है कि जैसे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक ने जो हिसाब से रिवर्सल दिया है ना, एंड रिलायंस ऑल्सो द वेट एज रिवर्स, तो ये तीनों तीन स्टॉक अलॉन्ग विद आईसीआईसीआई बैंक, ये इनफ है कि मंडे को हम अगर 17,700 के करीब भी पहुंच जाए गैप अप के साथ, एंड एक बार वो हो जाएगा तो ये पिछले दो तीन दिन का जो वॉलिटिलिटी था दैट विल काउंट एज कि वो एक शॉर्ट टर्म बॉटम फॉर्मेशन था, एंड फिर इवेंचुअली कोई भी डिप पे बाई कर सकते हैं। पर मंडे के लिए अगर आप मुझे पूछा कि क्या लगता है ओपनिंग, तो मुझे ऐसा लग रहा है जो हिसाब से स्टॉक्स में ये मोमेंटम बना हुआ है, जो हिसाब से लार्ज कैप में मूवमेंट आ रही है, तो एक गैप अप तो हो सकता है 17,580 17,560, एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट अप जो 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां से मुझे लग रहा है, सॉरी 200-day 200-day ये में वो एक बहुत महत्व का सपोर्ट बन रहा है, और अब इसके ऊपर 17,700 17,730 तक का एक जगह ऊपर जैसा खुल रही है मुझे ऐसा लग रहा है। एंड बैंक निफ्टी में भी मुझे लग रहा है कि 41,000 के सपोर्ट जोन से बैंक निफ्टी एक और मूव 41,700 41,800 तक अगले दो ट्रेडिंग सेशन में कर सकता है। नहीं नहीं, आपका स्टॉक फ्यूचर क्या है आपका सुदीप? स्टॉक में एचडीएफसी लिमिटेड जो हिसाब से पिछले 3-4 दिन का जो एक बॉटम फॉर्मेशन करने के बाद आज जो हिसाब से ओपन इंटरेस्ट के साथ बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है 26-20 के स्टॉप लॉस से एचडीएफसी लिमिटेड मुझे लग रहा है 2,700 2,720 तक हम ऊपरी स्तरों पर ये स्टॉक को सोमवार तक देख पाएंगे।